कितनी देर तक हुआ एक्सीडेंट? हुए एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने मिला जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी होया। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि साइकिल के उत्ते सवार होकर जो दोवें व्यक्ति अपने काम तो घर वापस जा रहे थे तो रास्ते दे विच एक ट्रक बेकाबू हो गया और उसने दोहां व्यक्तियों नूं कुचल के रख दिता। हालांकि जिसके कारण एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी होया जिसके कारण उसनूं हुण हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया ते जिथे उसका इलाज चल रहा है। पर दूजे पासे ट्रक नूं मौके दे उत्ते ही काबू कर लिया गया। हालांकि ट्रक चालक भजन दे विच कामयाब जरूर हो गया पर हुण पुलिस दे वल्लों दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसनूं पकड़ लिया जाएगा। जो मृतक व्यक्ति सी उसके दो बच्चे सी वो अपने काम तो घर वापस जा रहा सी तां रस्ते दे विच ही ट्रक ने उसनूं टक्कर मार दित्ती अते जिसके कारण उसकी मौके ते ही मौत हो गई। हालांकि दूसरा व्यक्ति उसके नाल सी जो कि साइकिल ते बैठा सी वह भी गंभीर रूप नाल जख्मी होया ते उसनूं भी इलाज दे लई हस्पताल च दाखिल करवाया गया। दूजे पासे इस खबर तो बाद परिवारक मैंबरां दा भी रो रो के बुरा हाल है ते पुलिस प्रशासन दे कोल इंसाफ दी गुहार लगाई जा रही है। कितनी देर तक हुआ एक्सीडेंट? हुए उसके कितने बच्चे हैं जेडी? क्या नाम है उसका? मृत्यु क्या क्या नाम? क्या नाम है उसका? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? क्या काम कर, कहाँ से काम करके आ रहा था? तुम्हारा क्या लगता है? तो क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करने जाते हो? सर सानू एक लोग इस पर्सन तो इंटीमेशन आई से कि कोई एक्सीडेंट हो दो पर्सन से ये एक जो ऑन द स्पॉट पप्पू कुमार यादव सन ऑफ लविंदर यादव है जो कि इतने बाबा बहादुर सिंह कलोनी रहा जिंकी ऑन द स्पॉट डैथ हो चुकी है। जो दूसरा पर्सन है 17 साल का एक बच्चा आ जमुअल है सन ऑफ शमशाद खुसरोपुर का रहने वाला जिंद जो कि अजय जौहल हॉस्पिटल एडमिट है। मतलब जो ट्रक ड्राइवर फरार हो गया? हाँ जी, अजय मौके तो फरार है ट्रक का कहर देखने मिला जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी होया। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि साइकिल के उत्ते सवार होकर जदों दोवें व्यक्ति अपने काम तो घर वापस जा रहे थे तो रास्ते दे विच एक ट्रक बेकाबू हो गया और उसने दोहां व्यक्तियों नूं कुचल के रख दिता। हालांकि जिसके कारण एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी होया जिसके कारण उसनूं हुण हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया ते जिथे उसका इलाज चल रहा है। पर दूजे पासे ट्रक नूं मौके दे उत्ते ही काबू कर लिया गया। हालांकि ट्रक चालक भजन दे विच कामयाब जरूर हो गया पर हुण पुलिस दे वल्लों दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसनूं पकड़ लिया जाएगा। जो मृतक व्यक्ति सी उसके दो बच्चे सी वो अपने काम तो घर वापस जा रहा सी तां रस्ते दे विच ही ट्रक ने उसनूं टक्कर मार दित्ती अते जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि दूसरा व्यक्ति उसके नाल सी जो कि साइकिल पर बैठा सी वह भी गंभीर रूप नाल जख्मी होया ते उसनूं भी इलाज दे लई हस्पताल च दाखिल करवाया गया। दूजे पासे इस खबर तो बाद परिवारक मैंबरां दा भी रो रो के बुरा हाल है ते पुलिस प्रशासन दे कोल इंसाफ दी गुहार लगाई जा रही है। कितनी देर तक हुआ एक्सीडेंट? हुए उसके कितने बच्चे हैं जेडी? क्या नाम है उसका? मृत्यु क्या क्या नाम? क्या नाम है उसका? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? क्या काम कर, कहाँ से काम करके आ रहा था? तुम्हारा क्या लगता है? तो क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करने जाते हो? सर सानू एक लोग इस पर्सन तो इंटीमेशन आई से कि कोई एक्सीडेंट हो दो पर्सन से ये एक जो ऑन द स्पॉट पप्पू कुमार यादव सन ऑफ लविंदर यादव है जो कि इतने बाबा बहादुर सिंह कलोनी रहा जिंकी ऑन द स्पॉट डैथ हो चुकी है। जो दूसरा पर्सन है 17 साल का एक बच्चा आ जमुअल है सन ऑफ शमशाद खुसरोपुर का रहने वाला
ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਜੋਹਲ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਰ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਵਰ 'ਚ ਲੈ ਲਈ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ।